माशाल्लाह फुटबॉलर भी हैं, इलाके में भी हैं, और ये कह रहे हैं कसम भी खाई जाने की ज़रूरत नहीं थी उनको, लेकिन इतने श्योर हैं कि भाई यहाँ पर मखलूक है, उनके लिए हमने दरवाज़े खोल दिए हैं ताकि वो हमें तंग ना करें जी, और कोई रात को आ नहीं सकता अंदर। इन्होंने आग देखी, मेहमानों को अपने बाहर ठहराते हैं, खुद भी घर से बाद आए हैं। हाँ। तस्वीर उन्होंने भी हमारे सामने बाहर निकाली है अपनी एहतियात के लिए, से ये चीज़ें भी हमने खुद देखी हैं और हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है। ताज़ा पाँव का निशान, ये ताज़ा, चलो ये तो पुराना लगता है, ये ताज़े हैं बिल्कुल, वो भी तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि है हमारे साथ इस वक्त है सर, है क्योंकि देखता कोई नहीं है लेकिन महसूस हर कोई करता है, क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि महसूस इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ताकत दी है, हम अच्छुल पुल मकल का है इसी वजह से, बाकी ये तो आप हम लोगों से ज़्यादा हैं बिल्कुल। हाँ, ये तो हर जगह पे होते हैं, अभी इनका टाइम ही जो को अभी ये नमाज हो जाएगी तो मगरब की नमाज हो जाएगी, 9:30 बजे तक वो जो नमाज होती है इशा, वहाँ उनका टाइम है, जैसे बच्चे उस टाइम पर तुम खेलने छोड़ दो ना एक दूसरे को जैसे लग जाएंगे, ये किसी का कान टूट निकल जाएगा, किसी की दांत टूट जाएगा, चकराते हैं ना, खुद ही उनका टाइम ये होता है, हम इसी टाइम पे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते मगरब से लेकर इशा तक, इसी टाइम पे बच्चों का किसी का बाजू टूट जाएगा, किसी का दांत टूट जाएगा, आपस में खेलते खेलते टकरा जाएंगे, क्योंकि इनका टाइम है नहीं, किसी को पता नहीं, हम लोगों को पता होता है। बड़ी बारीकी की बातें हैं और बड़े तजर्बे की बातें हैं, ऐसे ही नहीं कहा गया, ऐसे ही कहा गया, हम लोग कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं है, फिर बाद में भुगतते भी है, मेरे पास कई मैसेजेस वीडियो आए, मैंने खुद अपने घर में महसूस किया मेरी बच्ची को कोई लेके जाए, छोटा बच्चा, छोटे कद का था, इतनी बड़ी दाढ़ी बच्ची को मेरे को लेके जा रहे थे ऊपर, मैं वो चला गया, बेटी मेरी उधर उधर जा रही है, कहाँ तुम जा रहे हो, अब इधर खेलती हूँ भाई के साथ, खेलती हूँ भाई है कहाँ, भाई के साथ खेल रही है तुम, छोटा था दाढ़ी थी, हाँ छोटा था, था बिल्कुल दाढ़ी, पतली थी दाढ़ी, हाँ ऐसे खिलौने की तरह, वो मैंने अपने आँखों से देखा, झूठ नहीं है आपसे, वो एक दिन मैं घुसा थे, अच्छा एक औरत को आ गया था, वो जैसे औरत को आता है साहब, जो मेरी बीवी का जो मासा था उसकी बीवी थी, तो मैं बीमार था, मेरी बेटी की तो मैं बीमार था, मैं परेशान था, वो जो औरत थी वो बहुत बहुत बड़ी इज्जत करती थी मेरी, तो मुझे उसने देखा, उसको परेशानी परेशानी, मैंने उसको वो आ गया, उस औरत को मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा मैंने ना जिनका आवाज़ मर्द औरत की मुँह से मर्द का आवाज़ निकलते हुए देखा, फिर उसका जो वो चेहरा था ढका हुआ था, उसने चेहरा नहीं दिखाया, मैं हम लोगों को पूरे घर को सिर्फ एक घर में मुझे बुलाया, तुम भाई तुम भाई को लेके आओ, मैं जैसे घर में घुसा, यदि चंबेली का गुल नहीं फूल, उसकी खुशबू ही खुशबू थी घर में, तो भाई वो बच्ची थी, एक बच्चे की माँ थी, उसने उससे मेरे घर में दीवार में दर्द करके टक्कर मारा, मैं उठ गया, मैंने बोला ये तो मर जाएगी, तो उसकी सांस बैठी हुई थी, उसका शौर भी बैठा हुआ, उसने बोला नहीं इसको छोड़ दो, फिर उसके दो गर्भवतियों की पेटी लाई, वो दोनों को इकट्ठे जलाया और वो दोनों उसने सूंघे कट्ठे जब पकड़ा, क्योंकि इंसान तो दीवार में ऐसे जैसे वो दुम्बे लड़ते हैं ऐसे तो टक्कर नहीं मारता, फिर मैंने महसूस किया, मैंने बोला ये अंदर जा रही थी, उसको मैं पकड़ लूँगा बाद में फिर देखूँगा, फिर उसने मुझे बताया कि तेरे घर के साथ अभी की अभी कील निकालो, 13 कील लगे हुए तेरे थले में, तो मैंने आगे भी जाके बच्चों को भेजा, मैंने बोला जाओ निकालो, तो वाकई 13 कील लगे हुए थे, मेरी दुश्मनी की थी ना मेरे ऊपर, तो 13 कील हम लोगों ने निकाले, फिर उसने बोला तुम्हारा वो जो पलंग पड़ा हुआ था उसका पाया उठाओ, ये जैसे मैंने पाया उठा तो उसके नीचे एक पर्ची पड़ी हुई थी, वो पर्ची पे मेरा नक्शा बना हुआ था, मेरा उल्टा नाम लिखा हुआ था, हाँ ये हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं नीचे से बिल्कुल बंद हो गया था, नीचे ऊपर से मैं ना पानी भी मेरे लिए आराम था, 9 महीना मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो दुश्मनी की थी ना मेरे साथ, फिर मैं इसे अपनी दरगाह पे चला गया, मेरा कुरान से भी समझो कि यकीन उठ गया था उस टाइम पे, और हिंदू जैसे मैं था ऐसे हिंदू हो गया था, मैं रात को सारी रात रोता था छत पे, मालिक से दुआ ये करता था कि यार रब्बुल आलमीन मुसलमान करके मारना, फिर भी मार तो वैसे भी रहे हो लेकिन मुसलमान करके मारना, रोता था कसम से, झूठ नहीं आप भाई हो, झूठ नहीं है, बाकी जो करता है ना इस तरह के आप भरते हैं सर,
वो उस दिन फरमा रहे थे, सुन ले आज ये मैं बता रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, हस्ती फरमा रही है कि जो ये जादू खासकर काला बुरे काम के लिए करता है उसकी नस्लें भुगतती हैं आगे जाकर। हाँ, वीरानों में चले जाते हैं। उस दिनों में पहले सुना ये बात हस्ती के मुंह से कि जो ये करता है जादू करता है करवाता है उसकी आगे नस्लें भुगतती हैं, उसको पता ही नहीं चलता हमारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हारे बड़ों ने ये किया था जो तुम भुगत हो गया। बहुत तौबा है, ये मैं आपको अभी अपनी आंखों देखी कानों सुनी, वाजिब हो गए ना, अल्लाह महफूज रखे। तुर्की में पुर्तगाल ड्रामा लोग बड़े शौक से देखते हैं, ये वो मैंने शायद उसमें सुना या कहीं और देखा कि जादू करने वालों के बारे में वो लिखते हैं कि तुम अल्लाह के काम में दखल अंदाजी करते हो जो जादू करते हो। ये खुला हुआ नहीं था, ये खुला हुआ था, याद पड़ रहा है, खुला हुआ था पहले, खुला था हमारे सामने बंद हुआ था, हम अंदर गए थे फिर खुला हुआ था, अभी फिर बंद। यार सरों पे देख लेना भाई ज़रा, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें डराएं मत, ठीक है हम अंदर नहीं आ रहे, हमें पीछे तो जाने दें इस जगह के, हम अंदर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे अंदर। सुहेल भाई इन सेवरों का हाल दिखाइएगा ज़रा, सो कॉल्ड एनर्जी सेवर्स का हाल दिखाइएगा, इसका भी और उसका भी। तू जंग लग के ख़त्म हो चुका है, गल सड़ फट गए हैं यार, दिल नहीं मान रहा उस वॉशरूम की साइड पे जाने का, और शाम में ऐसा लगा था कि वो गड़बड़ नहीं होती जैसे जगह, और मुझे ऐसा लगता है इधर सांप भी होंगे। बिल्कुल सर, कोई रिस्क नहीं लिया यार, भरे सुहेल भाई वो देखें, ये थी पहले यहाँ पे, ये पहले यहाँ पे थी, ये आई है, ये थी यहाँ पे, जी जी ये शाम के टाइम थी ना, ये अभी आई है। क्या खेलना चाहते हैं आप, दुआ कह लें, करम कह लें, यहाँ से चीज़ जाती है, यहाँ चीज़ गिरती है, यहाँ चीज़ आती है, कहने को आप नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन चल भाई क्या आम बंदा ये बर्दाश्त कर सकेगा, हल्की सी मतलब जो हल्की मोमेंट है ना वही काफ़ी है उसके लिए, इसके अंदर से यार, इसके अंदर से यार, इसका तो जिक्र नहीं किया था उन्होंने, लेकिन ये आता तो पूरा उन्हीं का है ना, बिल्कुल इसके अंदर से आई है आवाज। मुझे लग रहा था एक से जायद है, एक से दो, दो से चार, ये अनगिनत है यहाँ पर, पूरा खानदान ही है। हमें जगहों पर एक साथ दो जगह से आवाज़ आती है, यहाँ तीन चार जगहों से एक साथ आवाज़ें आई हैं, सुन लें, यहाँ हम नहीं गए हैं शाम को, हमारे अंदर क्या है यार, ये जंग लग चुकी है, इसको किसी ने खोला भी नहीं है, हालत देखिए इसकी। अरे ये है साहब भाई इनका घर, ये लग रहा है खुलते ही जो बदबू आई है, छिपकलियाँ हैं दरवाजों पे, छिपकलियाँ से बाहर हो गए। अल्लाह, ये बरगद है, बरगद
मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं अभी, तो कहाँ लेके एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहाँ दादा हमें नहीं पता क्या है अंदर, हम गए भी नहीं ना, उन्होंने जिक्र किया इस जगह का, और वहाँ तो शायद फिर हवा आना जाना कुछ, यहाँ मिट्टी की तय जमीन है। नहीं अगर अंदर हमें नहीं जाने देना इन्होंने, हाँ। तो आवाज क्यों की अंदर से, भगाने के लिए? अब ये नुकसान करने वाली बात नहीं समझ आ रही, ये तो समझ नहीं आ रही। ये हाल देख लें क्या हो गया एकदम। इलाका मकीन नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम। जब यहाँ तक आने दिया है तो यहाँ भी आने दें बराए मेहरबानी। सर बचा लीजिएगा साहब। इसके पीछे क्या है? आए सुहेल भाई। ये मट्टी देखे नीचे तय जमीन है, कोई आया नहीं कर से। चल भाई जाला जा रहा है, ये जाने लगे हो उनके स्टोर रूम में। लग एसी में कच्चा बना में छोड़ दिया हूँ। पूरा नहीं हो सकता, पूरा हो ही नहीं सकता ना, सिविल सिविल पीछे क्या है इसका मट्टी। लगी धरी नहीं, शुक्र अल्लाह कान कौन सा। Mm-hmm.